हेलो दोस्तों, मैं नंदा वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बिजोरी बनाएंगे जो कि उड़द दाल से बनती है और इसमें रखिया के बीज डालते हैं, इसलिए इसे बिजोरी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत टेस्टी भी लगती है, और इसमें जो बीज होती है उसी के कारण इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। और इसमें मैंने कुछ यूनिक भी किया है, और वो क्या यूनिक है इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और रखिया से मुझे याद आया, मैंने बड़ी की भी इसमें रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पर, तो उसे भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इसमें क्या क्या लगती है तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने उड़द की दाल आधा किलो से ज़्यादा ली थी, जिसे मैंने पीस लिया है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है। तो इस तरीके से पीस लेना है और पीस के तैयार कर लेना है हमको। और इधर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो मैंने जीरा लिया है और मिर्च की पाउडर ली है लाल वाली जो तेज़ है थोड़ी, और धनिया पाउडर ली हूँ, और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो इतना ही मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए, मैंने एक कटोरी तिल ली है, सफ़ेद तिल, और ये है रखिया के बीज। शायद बिजोरी का नाम भी इसलिए पड़ा होगा बिजोरी, क्योंकि बीज डालते हैं इसलिए। और इधर मैंने छिलका लिया है रखिया का, जब मैं बड़ी बनाई थी तो उस समय मैंने रख दिया था इसे, तो मैं बना रही हूँ इसे। तो छोटा छोटा काटेंगे, पहले इसे धोएंगे उसके बाद छोटा छोटा काटेंगे, और इसमें मैं डालूँगी बिजोरी में। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो इस तरीके से देखिए छोटा छोटा काट लेना है। यदि उसमें कुछ दाग है या कुछ बाहर से ख़राब है तो वैसे छिलके को ना डालें, अच्छा वाला छिलका ही यूज़ करें। तो मैं अच्छा वाला छाट करके डाल रही हूँ। तो देखिए, मैं इसे छोटा छोटा काट लिया, अब मिक्सी में डाल करके हम इसे पीस लेंगे। तो हम इसमें दोस्तों बहुत कम पानी डाल के पीसना होता है, ना तो गीला हो जाएगा ये, ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। तो पीसे पर बहुत कम पानी डाल करके पीसे, तो इस तरीके से डाल के हम पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने चिकना पीस लिया है, जितना कम पानी डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये पीसी हुई उड़द की दाल है, इसमें हम इस पेस्ट को, छिलके के पेस्ट को डाल देते हैं, और सारी चीज़ों को भी इस पे ऐड कर देंगे, जीरा, लाल मिर्ची, धनिया का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो इस तरीके से हम डाल देते हैं। तो मैं इतना ही डालती हूँ, आप कुछ और मसाला ऐड करना चाहे जैसे कि पत्ता वाला धनिया भी डाल सकते हैं वैसे तो। तो और ये जो है बीज, ये फ्रेश है बिल्कुल, मैंने सुखाई भी नहीं है, क्योंकि बड़ी वाले दिन ही मैं बना रही हूँ बिजोरी। तो ये जो है तिल है, इसे भी इस तरीके से मैं मिला दूँगी। तो सारी चीज़ों को मैं हाथ की सहायता से ही मिलाऊँगी। तो अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से हम फेंटना नहीं है, सिर्फ मिलाना ही हमको। तो इस तरीके से मैं मिला ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है, इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कर लिया है, मैं बना रही हूँ, अधिक पतला नहीं करना है हमको, थोड़ा मोटा ही बनाना है, क्योंकि जब ये सूखेगा तो वैसे ही ये पतला हो जाता है, क्योंकि इसमें हम छिलका डाले हैं पीस करके। तो इस तरीके से मैं मोटा मोटा बना ले रही हूँ, मीडियम ही बनाएंगे, मतलब अधिक मोटा भी नहीं और अधिक पतला भी नहीं। तो इस तरीके से मैं सारे बिजोरी बना के तैयार कर लूँगी, और इसे कम से कम मैं 5 दिन तक सूखने दूँगी, 5 या 1 हफ्ता भी सुखा सकते हैं वैसे तो। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं, और इसे अब मैं बढ़िया सी धूप में सूखने दूँगी। अब देखिए, ये 5 दिन की धूप में कितनी अच्छे से सूख गई है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पलटा लिया है, दोनों तरफ से अच्छे से सूख गई है। तो मैं इसे समेट लेती हूँ और इसे लेकर नीचे चलती हूँ, और मैं इसे तल के दिखाऊंगी आपको। तो बहुत ही अच्छी लगती है, छिलके डाल के एक बार बना के देखिएगा, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो देखिए कितनी मोटी मोटी बनाई थी, और ये कितनी पतली हो गई है सूख करके। मैं नीचे ले आई हूँ, तो मैं इसे सेक कर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा के रखी हुई है, तो मैं सेक कर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, इस तरीके से मैंने डाल दिया, और ये सीख कर निकलेगी तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपको हल्का फुल्का भूख लगती रहेगी तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, 1-2 से ही पेट भर जाता है। ऐसे तो ज़्यादातर बिजोरी खाना के साथ खाया जाता है, तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं बिजोरी। तो ये बन के रेडी है दोस्तों। मैंने अपनी रेसिपी आप लोग से शेयर की है, आप भी ये रेसिपी किसी साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।